हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी की वोकैबलरी को। तो उसी सीरीज़ में वीडियो को शुरू करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, मैं अन अकेडमी प्लस पर आने वाले अपने कोर्सेज के बारे में बता दूं। अन अकेडमी पर मेरे इंग्लिश का कोर्स शुरू हो रहा है मंडे से, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 5 अक्टूबर से रात में 8 बजे क्लास होगी। इडियम्स एंड फ्रेजेस का कोर्स है, शाम को 4 बजे क्लास होगी। लूसेंट की पॉलिटी समरी आ रही है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पे हमारा कोर्स आ रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्पिटिशन का बैच है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पैरा जंबल्स और का बैच है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एरर डिटेक्शन का बैच है। इन सारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड नोट कर सकते हो, दैट इज़ AMANT। ठीक है, इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इस रेफरल कोड को यूज़ करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं और उसके बाद आप मेरी सारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा आज का पहला शब्द है एनेक्रोनिज्म। मैंने पहले भी बताया है आपको कि अगर किसी भी शब्द के एंड में ISM आता है तो वो हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, एनेक्रोनिज्म। ठीक है, तो एनेक्रोनिज्म का मतलब क्या हो जाता है, अ पर्सन, अ कस्टम और एन आइडिया दैट सीम्स ओल्ड फैशन्ड एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट, जो वर्तमान से नहीं लगता। एनेक्रोनिज्म क्या हो गया, एक व्यक्ति, कोई प्रथा, कोई व्यक्ति या कोई आइडिया जो कि ओल्ड फैशन दिखता है एंड डज नॉट बिलोंग टू प्रेजेंट एंड वर्तमान को बिलोंग नहीं करता है, उसे कहते हैं एनेक्रोनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, द मोनार्की इज समथिंग ऑफ एन एनेक्रोनिज्म दीज डेज। मोनार्की यानी जो है आपका, इज समथिंग ऑफ एनेक्रोनिज्म दीज डेज, यानी कि जो राजसी शासन है वो एक तरीके से आज की तारीख में ओल्ड फैशन हो चुका है। इट्स नॉट अ न्यू थिंग नाउ, और ये कोई भी वर्तमान में चलने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, अगर किसी भी शब्द के एंड में OUS लगता है तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये शब्द क्या हो जाएगा, एनेक्रोनस। ठीक है, चलिए अगले शब्द की तरफ बात करते हैं, एनालॉजी। तो एनालॉजी एक काफ़ी आपका फेमस शब्द है जो आप सभी लोग पढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑफ वन थिंग, रीजनिंग में आप सभी लोग करते हैं कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर दैट इज सिमिलर, फीचर्स अ फीचर दैट इज सिमिलर, सो दे से थंक इज द एनालॉजी ऑफ संक। ठीक है, तो सिंपल था। अगला शब्द है एनार्की। एनार्की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनार्की का मतलब हो जाता है सिचुएशन इन अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल इन विच देर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल। एनार्की जिसे आप अराजकता भी कहते हैं, आर्की मतलब शासन से हो जाता है, एनार्की मतलब किसी का शासन नहीं है, देर इज नो रूल ऑफ लॉ, देर इज नो रूल ऑफ गवर्नमेंट, देर इज नो ऑर्डर, देर इज नो कंट्रोल। तो पूरी तरीके से चीज़ें आपकी सिचुएशन, वह अवस्था जिसमें देश में चीज़ें जहाँ पे कोई शासन नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, उसे हम कहते हैं एनार्की। सिनोनिम क्या हो जाता है, लॉलेसनेस या मिसरूल। और एंटोनिम फॉर एग्जांपल हो जाता है, द प्रिजन इज क्लोज टू एनार्की, प्रिजन जो है वो एनार्की के क्लोज है। अगला है एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कपिल के शो में कोई आता है तो आप उसे कहते हैं किससे सुनाइए अपने, तो किससे नहीं, उन्हें हम कहते हैं एनेक्डोट, उन्हीं को हम कहते हैं एनेक्डोट्स। तो एनेक्डोट्स क्या होते हैं, शॉर्ट इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। एक शॉर्ट, एक इंटरेस्टिंग या फनी स्टोरी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी रियल इवेंट के बारे में, उसे हम कहते हैं एनेक्डोट। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, स्टोरी, टेल या फिर यार्न। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ अ रिच स्टोर ऑफ एनेक्डोट। तो बुक जो है वो एक रिच स्टोर है एनेक्डोट का, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ, काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स वहाँ पे हैं, उस किताब में लिखे हुए हैं। तो किससे कहानियों को कहते हैं एनेक्डोट। अगला शब्द है एंग्विश। तो एंग्विश क्या हो जाता है, नाउन, मतलब हो जाता है सीवियर फिजिकल और मेंटल पेन, डिफ़िकल्टी और अनहैप्पीनेस। बहुत ही ज़्यादा मेंटल पेन होना, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल पेन होना, दुख परेशानी को हम कहते हैं एंग्विश। किसी की दुख परेशानी को हम क्या कहते हैं, एंग्विश। ठीक है, तो सीवियर फिजिकल और मेंटल पेन, डिफिकल्टी और अनहैप्पीनेस इज कॉल्ड एंग्विश, दैट इज कॉल्ड आपका बहुत ज़्यादा पेन होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन, एगोनी, डिस्ट्रेस या एक्सक्रूशिएशन। तो एक्सक्रूशिएटिंग पेन मतलब बहुत ज़्यादा पेन होना, डिस्ट्रेस कॉज करना, उसी सेंस में आ गया। एगोनी भी दुख परेशानी को कहते हैं, एफ्लिक्शन भी पेन को ही कहेंगे। तो एंग्विश का मतलब हो गया सीवियर फिजिकल और मेंटल पेन, डिफिकल्टी और अनहैप्पीनेस इज कॉल्ड एंग्विश। हर्ट, मिजरी, पेन और रैक, ये सारे शब्द आ जाएंगे इसके। फॉर एग्जाम्पल, द एंग्विश वॉज सो ग्रेट दैट इट टर्न इंटू मैडनेस। तो जो दुख था, परेशानी थी, वो इतनी ज़्यादा थी कि वो मैडनेस में टर्न हो गई, मैडनेस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है एनिमोसिटी। तो मैंने आपको बताया है एनिमोसिटी, एनिम मतलब हो जाता है माइंड, तो एनिमोसिटी मतलब हो गया स्ट्रांग फीलिंग ऑफ अपोजिशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैमनस्यता होना, आपके एनिमोसिटी होना उस सेंस में आ जाएगा, ठीक है। अपोजिशन, एंगर और हेट, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटीपैथी, एनिमस या एंटेगोनिज्म। बैड ब्लड, बिटरनेस, एनिमिटी, गॉल, और सिनोनिम हो जाएगा एमिटी, एंटोनिम हो जाएगा इसका एमिटी मतलब मित्रता। तो एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी किसी से होना। फॉर एग्जाम्पल, ऑफकोर्स वी आर कम्पिटिटिव बट देर इज़ नो पर्सनल एनिमोसिटी बिटवीन अस, यानी कि यद्यपि हम बहुत कम्पिटिटिव हैं लेकिन किसी भी तरीके की दुर्भावना नहीं है हमारे बीच। नेक्स्ट है एनामली। एनामली का मतलब होता है अ थिंग और सिचुएशन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू नॉर्मल। जैसे कि सभी यहाँ पर एक्स रखे हुए हैं वो वाइट है, बट ये एक एक्स जो है रेड है, तो ये क्या है, एनिमोसिटी है, जो कि बहुत अलग है, कमी खामी होना। एनिमली का मतलब होता है कमी खामी होना, किसी तरीके की कमी। एबरेशन, एबनॉर्मेलिटी, एक्सेप्शन मतलब बाकियों से कुछ अलग। ऑडिटी, ऑडमेंट, रेयरिटी। फॉर एग्जाम्पल, द एनिमली ऑफ द सोशल सिक्योरिटी इज कॉल्ड एनिमली। एनिमली मतलब अलग होना किसी से। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इज दैट यू समटाइम्स हैव मोर मनी विदाउट अ जॉब। एनिमली ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम किया है कि कई बार आपके पास मनी ज़्यादा होता है, समटाइम्स यू हैव मोर मनी विदाउट अ जॉब, विदाउट जॉब के बिना भी। अगला शब्द आपका है एंटीसीडेंट। तो एंटी का मतलब हो जाता है बिफोर। तो एंटीसीडेंट आप लोग अक्सर पढ़ते हो क्या, अ थिंग और इवेंट दैट एग्जिस्ट और कम्स बिफोर अनदर। तो एक इवेंट, जैसे कि अक्सर आप लोग पढ़ते ना कि जैसे ये कैंडिडेट क्या है, एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का मतलब जो उसके पहले आया। ये आप लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हो तो कहते हैं ना कि हु का एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए। तो एंटीसीडेंट मतलब जो पहले आ रहा है, कोई भी अ थिंग या इवेंट जो कि पहले किसी से हो रहा है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कैजुअलिटी, कॉजेशन, कॉज, ओकेजन या रीजन। एंटोनिम हो जाएंगे आफ्टर इफेक्ट, आफ्टरमैथ, कॉन्सिक्वेंस, कॉरोलरी, डेवलपमेंट इफेक्ट, बाद में होने के लिए। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज द वन दैट रिलेट्स टू अ प्रीसीडिंग नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट हम उसे कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी उसके पहले आने वाले शब्द से रिलेट करता है, उसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। अगला शब्द है एंटीपैथी। तो मैं ये आप लोगों को रूट वर्ड्स में करा चुका हूँ। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग, एग्जाम में भी ये शब्द आ चुका है, पैथोस मतलब हो गया फीलिंग। और इस वाले एंटी का मतलब होता है बिफोर, और इस वाले एंटी का मतलब होता है आपका अगेंस्ट। तो एंटीपैथी का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक इज कॉल्ड एंटीपैथी। तो एंटीपैथी के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एनिमोसिटी, एनिमस, एंटेगोनिज्म, बैड ब्लड, ठीक है, बिटरनेस, एनिमिटी, गॉल, ग्रज, हॉस्टिलिटी, जॉन्डिस। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एनिमिटी, एमिटी, ठीक है। तो एंटीपैथी का अभी हमने क्या पढ़ा था, एंटीगोनिज्म, एंटीगोनिज्म ध्यान रखेंगे, एनिमोसिटी पढ़ा था, ये सारे शब्द याद रखेंगे, एकदम सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। For example, they have a mutual antipathy to each other. Next है हमारा antithesis. So antithesis का मतलब, anti मतलब against, तो antithesis का मतलब हो गया the opposite of something. जो किसी के opposite है उसे कहते हैं antithesis. Synonym हो जाएगा antipod, contrary, counter, negative, ये सारे इसके synonyms हो जाएंगे. आपका negative, observe, opposite, reverse, ये सारे इसके synonym होंगे. For example, the love is the antithesis of selfishness. तो लव इज समथिंग विच इज फॉर अदर्स, एंड सेल्फिशनेस का अपोजिट है, यानी कि एंटीथेसिस का मतलब हो गया अपोजिट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है एपाथाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में। एपाथाइट क्या होता है, अ फॉर्मर पॉलिटिकल सिस्टम इन साउथ अफ्रीका इन विच ओनली वाइट पीपल हैड फुल राइट टू रूल पॉलिटिकल राइट्स, एंड अदर पीपल एस्पेशली ब्लैक पीपल वर फोर्स्ड टू लिव अवे फ्रॉम वाइट पीपल। तो एपाथाइड क्या कहते हैं, जिसे रंग भेद की नीति कहा जाता है। रंग भेद मतलब आपकी साउथ अफ्रीका में फॉलो किया जाने वाला एक फॉर्मर पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें सिर्फ वाइट यानी गोरे लोगों के पास पॉलिटिकल राइट्स होते थे, बाकी लोगों के, ब्लैक लोगों के पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, इसे कहते हैं एपाथाइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही प्रेज्ड हर रोल इन स्ट्रगल अगेंस्ट अपाथाइड, यानी कि रंग भेद की नीति के खिलाफ उसका जो रोल था उसको काफ़ी प्रेज किया गया। तो गांधी जी, आज 2 अक्टूबर भी है, गांधी जी की जयंती भी है,
और ही फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है आपका एपैथी। जैसा कि मैंने बताया, पैथोस का मतलब होता है फीलिंग और ए का मतलब हो गया नॉट। तो अपैथी का मतलब हो गया फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड। ठीक है, मतलब वह व्यक्ति जो उदासीन है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिए कोई मरे, इज अपैथेटिक टूवर्ड्स एवरीवन, मतलब ही इज इनडिफरेंट टूवर्ड्स एवरीवन, मतलब जिसे कोई उदासीन है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी के खुशी किसी के गम से, उसे कहते हैं अपैथी। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अफेक्टलेसनेस, इमोशनलेसनेस, इम्पैसिवनेस, इम्पैसिविटी, इनसेंसिबिलिटी, और एंटोनिम हो जाएगा इमोशन फीलिंग सेंसिबिलिटी। हिज एपैथी जस्ट मेड हर इवन मोर फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एफोरिज्म। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एफोरिज्म, एफोरिज्म का मतलब होता है शॉर्ट फ्रेज दैट सेज समथिंग ट्रू और वाइज। तो अ शॉर्ट फ्रेज किसी तरीके का जो होता है उसे कहते हैं आपका एफोरिज्म। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न, तो ये क्या है, एफोरिज्म है। तो अफोरिज्म किसे कहते हैं, एक शॉर्ट फ्रेज जो किसी सत्य को बयां करता है। सिनोनिम हो जाएंगे अडेज, अपोथेजम, अपोथेम, बाईवर्ड, एपिग्राम, मैक्सिम, प्रोवर्ड, सॉ, सेइंग, सेंटेनिया, सेंटेंशिया, वर्ड। तो द ओलंपिक्स हैज़ अनदर अफोरिज्म, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू पार्टिसिपेट। तो ओलंपिक्स की एक ये अफोरिज्म है, एक तरीके की सेइंग है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू पार्टिसिपेट। नेक्स्ट है एपोकलिप्स। तो डार्क फैंस को सभी को बहुत अच्छे से पता होगा एपोकलिप्स क्या है। एपोकलिप्स कैसे हैं, त्रासदी, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, जिसे कहते हैं आपका प्रलय कह सकते हो, एपोकलिप्स। ठीक है, तो आपको याद होगा उसमें डार्क, जिन लोगों ने वेब सीरीज़ देखी हो नेटफ्लिक्स पे, जिन्होंने नहीं देखी जाकर देखी, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। एपोकलिप्स का मतलब हो जाता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व की डिस्ट्रक्शन यानी प्रलय। सिनोनिम हो जाएगा कैलामिटी, कैटेक्लिज्म, कैटास्ट्रोफ, डिबैकल, डिजास्टर, ट्रेजेडी। फॉर एग्जाम्पल, बीवेयर ऑफ इट्स डार्क एंड डेडली एपोकलिप्स। नेक्स्ट है अपोक्रिफल। अपोक्रिफल क्या है, अपोक्रिफल इज एन एडजेक्टिव, मतलब हो जाता है वेल नोन बट प्रोबेबली नॉट ट्रू, इसे कहते हैं अपोक्रिफल। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज अबाउट हिम आर अपोक्रिफल, मतलब ज़्यादातर लोगों को पता तो है बट प्रोबेबली नॉट ट्रू, दे मे बी नॉट ट्रू, जरूरी नहीं है कि वो सत्य हों, तो इन्हें कहते हैं अपोक्रिफल। तो अपोक्रिफल का मतलब वेल नोन है बट जरूरी नहीं है कि वो ट्रू है। नेक्स्ट है अपोथियोसिस। अपोथियोसिस क्या होता है, द हाइएस्ट और मोस्ट परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड अपोथियोसिस। ठीक है, तो बाईवर्ड, क्लासिक, एपिटोम, एग्जाम्पलर, आइडियल, परफेक्शन, क्विंटेंसेंस। दियर लीडर वॉज द अपोथिसिस ऑफ करेज, यानी कि एपिटोम ऑफ करेज, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ करेज। जैसे गांधी जी वॉज एपिटोम ऑफ नॉन वायलेंस, तो एपिटोम मतलब एग्जाम्पल थे, उसी तरीके से गांधी जी वॉज अपोथिसिस ऑफ नॉन वायलेंस, ये भी कह सकते हैं। तो अपोथिसिस का मतलब होता है द हाइएस्ट और मोस्ट परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, ठीक है, उसे कहते हैं अपोथिसिस। वर्ब हो जाएगा अपोथिसाइज करना। नेक्स्ट है आपका अपीज करना। अक्सर आप देखते हैं विपक्ष, सरकार आरोप लगाती है विपक्ष पे कि दे आर डूइंग अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अपीजमेंट पॉलिटिक्स मतलब दूसरे को खुश करने की कोशिश करना, टू मेक समबडी कामर और लेस एंग्री बाई गिविंग देम वॉट दे वॉन्ट, किसी को कम गुस्सैल बनाना बाई उन्हें देकर जो वो चाहते हैं। तो किसी को अपीज करना, शांत करना, किसी के गुस्से को शांत करना कहते हैं अपीज करना। एसुआज, कंसिलिएट, डिसार्म, जेंटल, ये सारे इसके शब्द हैं। मॉलीफाई, पैसीफाई, प्लेकेट, प्रोपिशिएट, गॉड गॉडेस के लिए आता है प्रोपिशिएट, मॉलीफाई, कडल, पैसीफाई, प्लेकेट मतलब शांत करना। एंटोनिम हो जाएगा एंगर, एनरेज, इंसेंस, इनफ्लेम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसके सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट हैं, स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद जरूर कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू अपीज द क्राइंग चाइल्ड बाई गिविंग हिम कैंडी, नाउन हो जाएगा अपीजर। नेक्स्ट है आपका अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का मतलब देखिए क्या है, अप्रिशिएट का मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज द गुड, अच्छी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, अप्रिशिएट का मतलब क्या हुआ, टू रिकॉग्नाइज द गुड, ठीक है, तारीफ करना, क्वालिटीज़ ऑफ समबडी और समथिंग, किसी की तारीफ करना अप्रिशिएट कहलाता है। एक्सेलरेट, एक्यूमुलेट, बलून, बूम, बिल्डअप, और सिनोनिम हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, डिक्रीज या डिमिनिश, किसी को नीचा करना, ड्विंडल, लेसन, रिसीड। ठीक है, नेक्स्ट है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब आई एम एप्रीहेंसिव अबाउट ही, मतलब वरीड और फ्राइटेंड होना, हल्का सा चिंतित होना और डरा होना, दैट समथिंग अनप्लीजेंट मैन हैपन, कि कुछ बुरा हो सकता है, उसे कहते हैं एप्रीहेंसिव।
सिनोनिम हो जाएगा अलाइव, अवेयर, कॉग्निजेंट, कॉन्स्पिशियस, कॉन्सियस, माइंडफुल, सेंसिबल, सेंटिनेंट, वेयर या विटिंग. एंटोनिम हो जाएगा इनसेंसिबल, ऑब्लिवियस या अनअवेयर, अनकॉन्सियस, अनमाइंडफुल या अनविटिंग. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज डीपली एप्रीहेंसिव अबाउट हर फ्यूचर, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी कि कुछ कहीं बुरा ना हो जाए अपने फ्यूचर के बारे में. तो एप्रीहेंसिव का मतलब हो जाता है बहुत ही अधिक चिंतित होना, वरीड होना, फ्राइटेंड होना कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए. नेक्स्ट है अप्रोबेशन. ठीक है, अप्रोबेशन का मतलब होता है अप्रूवल या अग्रीमेंट. किसी को अप्रूवल देना है, अग्रीमेंट देना, सिनोनिम हो जाएंगे इसके अप्रूवल, ब्लेसिंग, फेवर, ओके, इम्प्रीमैच्योर. और एंटोनिम हो जाएगा डिसअप्रोबेशन, डिसअप्रूवल या डिसफेवर. द किंग रिसीव द ऑफिशियल अप्रोबेशन ऑफ द चर्च, यानी कि किंग ने चर्च का ऑफिशियल अप्रूवल रिसीव किया. ऑल राइट, सो वी विल कीप इट टिल हेयर. आई होप जितना पढ़ाया आप सभी को समझ में आया होगा, जितनी चीज़ें बताई आप सभी को शब्द बताए याद होंगे होंगे. अगर आप लोग क्लास को अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299117042. और अगर आपका और कोई सवाल है तो आप मुझे इस नंबर पे मेल भी कर सकते हैं aman.ssc.mentor@gmail.com. सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय.